एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने छठ पर्व की तैयारियों पर कहा कि भारत में छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जनपद में छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। महानगर में कुल 46 घाट छठ पूजा के लिए बनाया गया है, जहां पर पुलिस द्वारा ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसमें रामघाट, राजघाट, रामगढ़ ताल, मानसरोवर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर सहित सभी घाटों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा छठ घाट पर QRT की पुलिस वैन कैमरे, PAC, SDRF सहित पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि त्यौहार को सकुशल संपन्न करवाएंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी में पानी के अंदर ना जाएं, क्योंकि नदी में पानी बहुत है, इसलिए बैरिकेडिंग के अंदर ना जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, भारत भर में, विश्व भर में छठ का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में भी छठ के पर्व की पुलिस ने अच्छी तरीके से तैयारियां की है, जिसमें टोटल 46 घाट जो है जनपद गोरखपुर शहर में चिन्हित किए गए हैं, जहां पे पुलिस द्वारा ड्यूटी लगाई जा रही है। उसमें रामघाट, राजघाट, रामगढ़ ताल, मानसरोवर मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, इस तरह की तमाम जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी पे पुलिस द्वारा महिलाओं की स्पेशल ड्यूटियां, उसके साथ साथ QRTs, कैमरे एवं PAC, SDRF, फ्लड पुलिस, इस तरीके की तमाम एजेंसियां लगा के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के निर्देशन दिए गए हैं। सर, बाढ़ का पानी भी लगा, ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे जो जितने भी लोग हैं जो छठ पर्व को मनाने के लिए शाम के समय एवं उसके अगले दिन भोर में 3 बजे 4 बजे सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जाएंगे, उनसे यही अनुरोध है कि पानी के अंदर गहराई तक ना जाएं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, घाघरा नदी, राप्ती नदी, सभी नदियां अपने उफान पर हैं, इसलिए जनपद पुलिस एवं नगर निगम द्वारा जो निर्धारित बैरिकेडिंग है वहीं तक रहें, उससे आगे ना जाएँ। थैंक यू।